ये हम देखते हैं, ये जो रिमोट कंट्रोल डोर लॉक होता है उसके कनेक्शन कैसे होते हैं, और इस तरीके की डिब्बी हम लगाते हैं, और एक ये जो पावर अडेप्टर होता है सिर्फ इससे यूज़ करते हैं। जब पास में लगाना होता है तो ये 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का पावर अडेप्टर सफिशियंट होता है, और जब दूर लगाना होता है तो 12 5 का या का कम से कम पावर अडेप्टर चाहिए होता है। तो सबसे पहले इसे कनेक्शन देखने के लिए समझते हैं। इस तरीके की रिमोट रिसीवर होते हैं जिसमें कि नीले रंग की रिले होती है, ये किसी भी शेप या साइज़ में हो सकते हैं। बस इनके कनेक्शन को ध्यान देना है कि कनेक्शन करने कैसे, वो मैं आपको इसके पीछे से समझाता हूँ। इसमें पीछे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए V माइनस लिखा हुआ है, V माइनस होगा, कहीं पे GND लिखा होगा, कहीं पे माइनस लिखा होगा। वहाँ पे आपको एक ब्लैक वाला वायर, ये जो ब्लैक वाला वायर आ रहा है, एक ब्लैक वायर पावर सप्लाई से आएगा। ये देखिए हमने सप्लाई लगा रखी है, इसके रेड ब्लैक दो वायर आ रखे, तो एक ब्लैक वायर डायरेक्ट जो है V माइनस पे आ रहा है, और एक यहाँ से एक ब्लैक वायर उठा के सीधा हमने ये उठा के इस लॉक को दे दिया है। ये देखिए, यानी एक ब्लैक वायर सीधा लॉक में चला गया है, और लॉक का जो दूसरा वायर बचा है ये लॉक में उल्टा सीधा कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन इस डिब्बी में कोई भी वायर उल्टा सीधा नहीं लगाना है, ये जैसे बताए गए वैसे ही लगाने हैं। तो यहाँ से जो ब्लैक वायर आ गया वो हो गया। अब प्लस वी प्लस लिखा होगा कहीं पे, कहीं पे 12 वोल्ट लिखा होगा, कहीं पे प्लस का साइन होगा। उस डिब्बी उस रिसीवर में क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट 12 वोल्ट लेके आए, हम ये देखेंगे इससे डायरेक्ट 12 वोल्ट लेके आए, और ये 12 वोल्ट हमने यहाँ पे दिया है, और यहाँ से एक हमने ये जम्पर लिया है, देखिए जम्पर वायर है। इसे जम्पर वायर क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इससे प्लस वी और कॉमन इन दोनों को जम्पर किया है, प्लस वी और कॉमन को जम्पर किया है, और जो एनओ वाला टर्मिनल है वहाँ से एक रेड वायर उठाया है, और उस रेड वायर को हम यहाँ के लॉक में लगा दिए। तो इस तरीके से ये जो है रिमोट रिसीवर इस लॉक के साथ में कनेक्ट हो जाता है। अब सवाल ये कि ये रिमोट इसके साथ काम कैसे करेगा। इसको काम करने के लिए क्या होता है, ये एक छोटा सा सफ़ेद बटन होता है हर रिसीवर में होता है, इस बटन को एक बार ऐसे दबा के हाथ हटा लेना है, और उसके बाद जिस बटन से काम कराना है रिमोट का वो बटन दबाना है, ये इस तरीके से लर्न हो जाता है। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा रिमोट काम कर रहा है नहीं कर रहा। जब ये लॉक कंडीशन में आता है तो ये लीवर ऐसे दब जाता है ताकि अंदर ना जाए, ये रोलर जो है अंदर ऐसे दब जाता है ताकि अंदर ना जाए। अब हम रिमोट से खोलते हैं तो इस तरीके से रिमोट से खुल जाता है। तो ये सिंपल सा कनेक्शन है रिमोट डोर लॉक, मेन डोर लॉक रिमोट से कनेक्शन करने के लिए और रिमोट को लर्न कराने के लिए।